चैनल एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। सो गाइस यार, काफी टाइम से आप लोग की डिमांड हो रही थी कि भाई मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड के बारे में कुछ अपडेट दिखाइए। सो गाइस आज की इस वीडियो के अपडेट में आपको राम गोविंद सिंह हॉल्ट की तरफ से दिखाने वाला हूं। एक्चुअली अभी मैं हूं धनु चक के पास और यहां जो पटना गया डोबी फोर लेन का जो आरओबी क्रॉस कर रहा है उसका भी काम आप यहां होता हुआ देख सकते हैं। वैसे गाइस इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर अपडेट दिखाऊंगा। वैसे अभी कंडीशन नहीं है ऐसी कि मैं आपको इस पटना गया डोबी फोर लेन के बारे में इधर से अपडेट दिखा सकूं। नहीं चलिए फिर इस मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड का काम कितना पूरा हुआ है और जो सेकंड फेज में 2.1 किलोमीटर का जो काम होना है उसका क्या अपडेट है आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए फिर क्या कुछ काम चल रहा है वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना उसके आसपास की ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस आज इस वीडियो की शुरुआत में इधर राम गोविंद सिंह हॉल्ट की तरफ से कर रहा हूँ और आज मैं आपको मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड और साथ ही फोर लेन रोड के चल रहे काम का अपडेट दिखाने वाला हूँ। सो अभी मैं आ चुका हूँ राजेंद्र गोलंबर धनुचक के पास जहाँ से पटना गया डोबी फोर लेन रोड क्रॉस कर रहा है। सामने आप देख भी सकते हैं इस मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड को क्रॉस करके ये पटना गया डोबी फोर लेन इधर पुनपुन के तरफ चला जा रहा है। वहीं गाइस बात करूं यहां बनाए जा रहे आरओबी की तो आप देख सकते हैं यहां पर पिलर बनाने का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। और गाइस जिस टाइम मैं यहां वीडियो शूट करने आया था उस टाइम काफी ज्यादा बारिश हुई थी तो इधर जाकर मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया बट बहुत जल्द मैं आपको इधर की भी एक वीडियो बनाकर जल्द इसका अपडेट दूंगा। तो फिलहाल आइए बात करते हैं इधर बनाए जा रहे मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड और फोर लेन रोड की। तो गाइस आप देख सकते हैं इधर परसा के तरफ बढ़ने पर आपको ये फोर लेन रोड का काफी सारा काम देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ जितने भी पुलिये बनाए गए थे इस रोड पर जो रेलवे ट्रैक के नीचे से क्रॉस कर रहे हैं उनका काम अब यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो रखा है। साथ ही गाइस यहाँ से आगे तो फोर लेन रोड का काम भी काफी हद तक आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। आप मेरे राइट साइड देख भी सकते हैं यहाँ पर फोर लेन रोड को बनाने के लिए ढलाई का काम भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइज अभी आपने देखा पीछे राजेंद्र गोलंबर से लेकर आगे काफी दूर तक आपको ये फोर लेन रोड का काम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको इस तरफ बनाए जा रहे इस न्यू फोर लेन रोड के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो गाइज ये रहा मीठापुर से मोहाली तक तैयार किए जा रहे फोर लेन रोड का काम जो कि आगे एलिवेटेड रोड के खत्म होने के बाद से लेकर पीछे राजेंद्र गोलंबर इंडियन पेट्रोल पंप तक लगभग कंप्लीट होने वाला है। आप देख भी सकते हैं मैं जिस लेन पर चल रहा हूँ ये दो लेन की सड़क है। वहीं इस रोड के उस तरफ भी दो लेन की सड़क को तैयार किया जाना है जिस पर अभी गाड़ियों का आना जाना हो रहा है। वहीं इस न्यू टू लेन रोड की काम की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं काफी तेजी से इसका काम भी पूरा किया जा रहा है। साथ ही इस रोड के बगल में आपको ड्रेनेज का काम भी कम्प्लीट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ तक इस रोड को बनाने का काम कम्प्लीट कर लिया गया है। तो गाइस चलिए अब मैं आपको मीठापुर टू मोहाली एलिवेटेड रोड के चल रहे काम का क्या अपडेट है उसके बारे में दिखा देता हूं। साथ ही ड्रोन शॉट के भी थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड के जो फेज वन में काम चल रहा है 6.7 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड रोड को तैयार करने का उसका अभी क्या पोजीशन है काम कितना पूरा हो चुका है। तो चलिए फिर सीधा चलते हैं लोकेशन पर और क्या कुछ अभी काम चल रहा है उसे मैं आप सभी को दिखा देता हूं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये रहा इस मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड के फर्स्ट फेज के चल रहे काम का अपडेट। अगर मैं इसके अप्रोच रोड की बात करूं तो आप यहां देख पा रहे होंगे इसे तैयार करने का काम काफी तेजी से पूरा किया जा रहा है। वैसे गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी आप जो ये मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड का जो काम होता हुआ देख रहे हैं ये इधर परसा से लेकर आगे सिपारा तक फर्स्ट फेज में तैयार किया जा रहा है। वहीं सेकंड फेज का क्या अपडेट है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आइए इस एलिवेटेड रोड का अभी क्या अपडेट है और काम कितना पूरा कर लिया गया है साथ ही स्पैन लॉन्चिंग का काम कहां तक कंप्लीट कर लिया गया है और साथ ही इस एलिवेटेड रोड के नीचे जो सर्विस लेन बनाए जा रहे हैं उसका क्या अपडेट है वो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए फिर एक एक कर मैं आपको इन सभी चीजों का अपडेट दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रहा इस मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड का पहला नजारा। देख सकते हैं आप ये कितना ज्यादा शानदार लग रहा है देखने में। और गाइज यहाँ चल रहे काम की अगर मैं बात करूँ तो आप देख ही पा रहे होंगे इस एलिवेटेड रोड के फर्स्ट फेज में स्पैन लॉन्चिंग काम काफी हद तक कंप्लीट हो रखा है और साथ ही साथ इसके एक्सपेंशन ज्वाइंट का भी काम आपको होता हुआ देखने को मिलेगा जो कि आगे परसा की तरफ से स्टार्ट भी हो चुका है। और इसके अलावा इसके ऊपर साइड वॉल का भी काम किया जा रहा है। तो चलिए फिर ये स्पैन लॉन्चिंग का काम कहाँ तक कम्प्लीट कर लिया गया है उसे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो गाइज पहले बात कर लेते हैं यहाँ बनाए जा रहे सर्विस रोड की। तो गाइज आप देख ही सकते हैं यहाँ जो पहले से सर्विस रोड है उसकी कंडीशन कितनी ज्यादा खराब हो रखी है।
एक ही लेन पे गाड़ियों का आना जाना भी हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो इस सर्विस लेन को यहाँ बनाने का काम चल रहा है वो काफ़ी स्लो है, क्योंकि अभी आपको कुछ कुछ ही जगह पर सर्विस रोड तैयार देखने को मिलेंगे। और अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो आप देख ही सकते हैं कि अभी कंडीशन क्या हो रखी है इस रोड की। तो खैर गाइस, बात करूं यहां बनाए जा रहे इस मीठापुर एलिवेटेड रोड के बारे में, तो आप देख ही सकते हैं यहां संपत चक तक इस एलिवेटेड रोड के ऊपर स्पैन लॉन्चिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है और यहां से लेकर काफी आगे तक आपको ये स्पैन लॉन्चिंग का काम देखने को मिल जाएगा। वहीं गाइस ऊपर आप देख सकते हैं ये जो स्पैन लॉन्चिंग की गई है इसके बीच जो एक्सपेंशन ज्वाइंट है उसको भी फिल करने का काम यहां कंप्लीट कर लिया गया है। तो चलिए सीधा चलते हैं उस जगह पर जहां पर ये स्पैन लॉन्चिंग का काम अभी आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ परसा बाजार स्टेशन के पास और आप देख सकते हैं इधर भी काम काफ़ी तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। वैसे गाइज बात करूँ इस एलिवेटेड रोड और सर्विस रोड की, तो आप मेरे राइट साइड देख पा रहे होंगे उस तरफ जो सर्विस रोड है उसको ढालने का काम कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही इसके ऊपर पिचिंग का काम भी स्टार्ट किया जाएगा। गाइज यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऊपर ये जो आप एलिवेटेड रोड का काम देख रहे हैं इसे फेज वन में दो पार्ट करके पूरा किया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट अभी आप मोहाली की तरफ से होता हुआ देख रहे हैं जो कि आगे परसा बाजार को क्रॉस करता हुआ कुछ दूर तक देखने को मिलेगा। वहीं सेकंड पार्ट में एसडीबी पब्लिक स्कूल के पास से इस एलिवेटेड रोड के ऊपर स्पैन लॉन्चिंग का काम चल रहा है। तो आइए मैं आपको पहले फर्स्ट पार्ट में ये जो स्पैन लॉन्चिंग का काम चल रहा है वो कहां तक और कौन से पिलर के ऊपर कंप्लीट कर लिया गया है उसे मैं आप सभी को दिखा देता हूं। तो गाइज लीजिए ये रहा सामने पिलर नंबर 74 और आप देख सकते हैं यहाँ इस मीठापुर एलिवेटेड रोड के फर्स्ट फेज में जो स्पैन लॉन्चिंग का काम चल रहा है वो आपको यहाँ एचपी पेट्रोल पंप के ठीक सामने पिलर नंबर 74 तक पहुँच चुका है। और गाइज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड के फर्स्ट फेज को दो पार्ट में कर पूरा किया जा रहा है, तो ये था इसका पहला पार्ट जो कि पिलर नंबर 74 तक कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अब बस कुछ ही पिलर और बच गए हैं फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के बीच, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में तैयार किए जा रहे हैं इस एलिवेटेड रोड की, तो आप देख सकते हैं ये रहा यहाँ सामने एसडीबी पब्लिक स्कूल जहाँ से ये सेकंड पार्ट की शुरुआत हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पिलर नंबर 68 से लेकर आगे सिपारा तक ये स्पैन लॉन्चिंग का काम आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आइए सिपारा की तरफ इसकी लॉन्चिंग कहाँ तक कर दी गई उसे भी मैं आपको जल्दी से इस वीडियो में दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको सिपारा से लेकर मीठापुर के बीच जो सेकंड फेज में एलिवेटेड फ्लाईओवर को तैयार किया जाना है उसके बारे में बताऊंगा। तो गाइज आप देख सकते हैं अभी मैं आ चुका हूँ उस आखिरी पिलर के पास जहाँ पर इस स्पैन लॉन्चिंग का काम अभी आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पैन लॉन्चिंग का काम है वो आपको यहाँ पिलर नंबर 22 से लेकर 21 के ऊपर होता हुआ दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं अभी इन स्पैन को ऊपर लॉन्च करने की तैयारी चल रही है और साथ ही जो ऊपर स्पैन को लॉन्च कर दिया गया उसे भी ज्वाइन करने का काम साथ साथ यहां पूरा किया जा रहा है। यानी गाइज ओवरऑल मैं अगर आपको समझाऊं तो इस मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड का जो फर्स्ट फेज का काम आप होता हुआ देख रहे हैं उसके फर्स्ट पार्ट में आपको परसा बाजार से लेकर पिलर नंबर 74 तक स्पैन की लॉन्चिंग कंप्लीट देखने को मिलेगी। वहीं सेकंड पार्ट में ये काम आपको एसडीबी पब्लिक स्कूल के पास पिलर नंबर 68 से शुरू होकर यहाँ पिलर नंबर 21 तक कंप्लीट कर ली गई है और जल्द ही यहाँ से आगे सिपारा तक जितने भी आप पिलर यहाँ देख रहे हैं इनके ऊपर भी जल्द से जल्द स्पैन लॉन्चिंग का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। वैसे अगर ओवरऑल टाइम की बात करूँ तो इसे कंप्लीट होने में आई थिंक अभी 4 से 6 महीने का समय अभी और लगने वाला है। वैसे गाइस आपको ये बात तो पता ही है कि फर्स्ट फेज के इस काम को कंप्लीट होने से ही इस फ्लाईओवर को चालू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सेकंड पार्ट में सिपारा से लेकर मीठापुर तक जो एलिवेटेड रोड को तैयार करना है उसके लिए अभी टेंडर जारी कर दिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस महीने के लास्ट तक वहां आपको काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। वैसे यहां सिपारा घूमती तक ये जो आप फर्स्ट फेज का काम देख रहे हैं इसे एफकॉन कंपनी बनवा रही है जो कि 6.7 किलोमीटर लंबा है और वहीं सिपारा से लेकर आगे मीठापुर आरओबी तक ये 2.1 किलोमीटर लंबा होगा, जिसके लिए जल्द ही कंपनी को फाइनल कर इस पर काम स्टार्ट किया जाएगा। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि सेकेंड फेज में यहां से आगे जो काम स्टार्ट किया जाना है उस बीच कुछ मकाने भी आ रही हैं जिनको तोड़ने का काम भी यहां कर दिया गया है। तो चलिए इसके लिए कहां पर मकानों को तोड़ा जा रहा है उसे भी मैं आप सभी को दिखा देता हूं।
तो गाइज लीजिए, अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड के फर्स्ट फेज में तैयार किए गए उस आखिरी पिलर के पास। आप देख सकते हैं यहाँ तक इन पिलर को तैयार कर लिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर आगे मीठापुर आरओबी तक जो 2.1 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड को तैयार करना है, उसके लिए यहाँ कुछ मकानों को भी तोड़ा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि इस काम को स्टार्ट होने में कम से कम नवंबर या दिसंबर तक का समय लगने वाला है। तो नवंबर या दिसंबर से पहले ये काम अभी यहाँ स्टार्ट नहीं होने वाला। यानी गाइज ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में अभी कम से कम 2024 या 25 मिड तक का समय तो आराम से लगने वाला है। सो गाइज ये था यहाँ मीठापुर टू मोहाली तक तैयार किए जा रहे एलिवेटेड रोड के चल रहे काम का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पटना और उसके आसपास की ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।